हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुनाना दयान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दिखाऊंगी आप घर में बैठ के बहुत इजीली कैसे लेयर हेयर कट कर सकते हो। तो पहले मैं बता दूँ, जब मैं कॉलेज में थी तब मैं एक बार पार्लर में गई थी हेयर कट करने के लिए। उसके बाद मैंने मतलब तब भी लेयर कट ही किए थे, तो तब मैंने देख लिए थे वो लोग कैसे कट करते हैं। उसके बाद से मैंने कभी भी पार्लर नहीं गई हूँ बाल कटने, मतलब बाल कट करने के लिए। तो वैसे ही मैं पार्लर बहुत कम जाती हूँ, तो बाल कटने के लिए तो मैं उसके बाद से कभी नहीं गई हूँ। उसके बाद से मैं घर में ही कट कर लेती हूँ। तो अगर सीधी मतलब सीधी बाल काटनी होती तो मुझे कोई मेरे घर में कोई कट कर देती है। सभी मेरे घर पे एक्सपर्ट है, मेरी माँ, मेरी दी, मेरे हस्बैंड सभी एक्सपर्ट है, तो कोई ना कोई कट कर देती है। अगर मुझे लेयर कट करना होता है तो मैं ही करती हूँ। तो इजीली मैं आज दिखाऊंगी बहुत इजीली आप कैसे हेयर कट कर सकते हो। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा मेरा हेयर। तो मैंने बहुत दिनों से हेयर कट नहीं किए हैं, मिनिमम शायद एक साल हो गए। तो 6-7 महीने बाद बाद हेयर कट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेयर कट करने से आपका हेयर ग्रोथ बढ़ता है। उसके साथ साथ मतलब ऐसा नहीं है कि बढ़ता है, क्योंकि बढ़ता तो है यहाँ से, या इसका कोई ये नहीं है, पर फिर भी हेयर कट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हेयर कट करेंगे तो 2 मुहे बाल होने के चांसेस बहुत कम रहती है। उसके साथ साथ बहुत दिन बाद बाद बाल ऐसे झाड़ू की तरह हो जाती है, वो भी नहीं होता। तो हेयर कट करना चाहिए। हाँ, ज़्यादा नहीं, मिनिमम आप इतना कर सकते हो, इतना कर सकते हो। तो मैंने नीचे से भी नीचे भी हेयर कट किए हैं, जो वो मेरे हस्बैंड ने कर दिया है। मैंने इतना सा किए हैं, बस मेरे नीचे का पोर्शन एकदम झाड़ू जैसा हो गया था, इसीलिए बस ऊपर ही मैं करूँगी, वो भी बहुत कम करूँगी। तो बस बाल कट करने से पहले बालों को धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बाल गीले बालों में कट करेंगे तो आपको एकदम प्रॉपर तरीके से ऐसे ये रहेगा कि आपके बाल सही कट हो रहा है कि नहीं। तो बस इसके लिए मैं बाल पहले धो के आती हूँ। ज़्यादा नहीं धोऊंगी, बस ऊपर ही धोऊंगी, क्योंकि मैं ऊपर ही कट करूँगी, ज़्यादा नहीं कट करूँगी, बस सामने ये पोर्शन में कट करूँगी। तो मैं धो के आती हूँ। तो पहले मैं मेरे पीछे की बाल एकदम ये क्लिप लगा लिया है, तो आगे का बाल ही मैं कट करूँगी। तो अगर मैं आगे का बाल कट भी नहीं करता तब भी मैं पीछे की बाल अभी ऐसे करके ही रखती। तो पहले आपको ये करना है कि ये दोनों साइड है, तो पहले दोनों साइड से पहले फ्रंट से थोड़ा सा आपको बाल ऐसे लेना है, और ये दोनों एक साथ कॉम करना है, क्योंकि ये दोनों हमें एक साथ कट करना है। उसके बाद ये दोनों के साइज़ के हिसाब से मैं मतलब इसका साइज़ के हिसाब से ये बाल कटेगा, और इसका बाल के हिसाब मतलब साइज़ के हिसाब से ये बाल कटेगा। तो इसीलिए ये दोनों एकदम सेम कट होना चाहिए, तभी आपका दोनों साइड का एकदम कट एकदम एक साथ होगा, नहीं तो ये इधर का छोटा इधर का बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं बीच में से तो सामने का बाल पहले मैंने कॉम कर लिया है, उसको मैंने एक मतलब एक साथ कट कर लिया है। तो ये है मेन, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही मतलब साइड के बाल कट होगे। तो ये अगर आप एक साथ कटोगे तो मतलब साइड का बाल आपको कट करने में थोड़ा सा हेल्प होगा, थोड़ा सा उतना मतलब आसान होगा। तो बस ऐसे हम जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे ही बस आपको करना है। बहुत इजी प्रोसेस है, एक बार अगर आप करना स्टार्ट कर दोगे तो देखना बहुत इजी है, घर पे ही आप बहुत इजीली कर सकते हो। ऐसे हर वक्त पीछे की तरफ ऐसे कॉम की हेल्प से ऐसे लेना है, और जो बाल आपने फर्स्ट में कट किए थे उससे थोड़ा सा बड़ा कट करना है। बस ऐसे ही ये प्रोसेस है। बस आपको एक बार अच्छी तरह से ध्यान देखिएगा, रखिएगा कैसे मैं बालों को कैसे आगे ले रही हूँ, मतलब कॉम के हेल्प से मैं कैसे आगे की तरफ ले रही हूँ। अगर आप ये एक बार देख लो तो देखिए ये मैं कैसे, ये फर्स्ट वाला जो है उससे आगे बड़ा है, उससे
जो लास्ट वाला है वो मैं ऐसे कट कर रही हूँ ताकि मेरा बहुत धीरे हो जाए, मतलब जल्दी जल्दी हो जाए, नहीं तो और भी टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है। अगर बस एक बार आप अगर घर पे करना स्टार्ट कर दोगे तो सीरियसली आप आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं होगा, बहुत आसानी से आप घर में ही कर सकते हो। तो जैसे सेम प्रोसेस, ठीक सेम प्रोसेस में इधर इस साइड का बाल भी सेम प्रोसेस में कट कर लेना है। पहले आगे की तरफ आगे का बाल देखना है, उसके बाद पीछे से ऐसे कॉम की मदद से ऐसे बाल लेना है, उसको कॉम कर लेना है, उसके बाद उससे बड़ा काट कर लेना है। ठीक है, जो पहले आप बाल कट किए थे उससे बड़ा आपको कट करना है। तो बस जब आप साइड पे रखेंगे तो ऐसे ही वी टाइप का शेप आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको काट के लेना। देखिए मेरे बाल, दोनों साइड का बाल एकदम अच्छी तरह से कट हो गया है। तो आपने देखा मैंने कैसे बहुत इजीली कट कर लिया है। अगर आप चाहते हो तो ज़रूर पार्लर जा सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो जाना किसी भी रीज़न के लिए तो आप घर पे ही इजीली कट कर सकते हो। तो इतना कुछ ये नहीं है, झंझट वाला काम नहीं है। तो जैसे मैंने इतना तक दिखाया है ठीक वैसे ही सेम प्रोसेस अगर पीछे भी कट करना है, आपको यहाँ से लेना है और जो बाल आगे का बाल कट किया है उसी के ये करते हुए और थोड़ा बड़ा कट कर लेना है। तो ऐसे ही धीरे धीरे ऐसे ही देखिए कट होता जाएगा। तो मैंने उतना छोटा नहीं कट किए हैं बट फिर भी सही है। मैं जितना चाहती थी वैसा ही हुआ है। और देखिए मेरे ये बाल पीछे से ऐसे है। तो बस आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे अगला वीडियो पे, तब तक बाय बाय।